हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए धरती का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है तो शायद आप शेर या बाघ का ही नाम लेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से करोड़ों वर्ष पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। नंबर 10, आयरिश हॉल्क। देखने में तो यह जानवर किसी हिरण की तरह लग रहा है, पर क्या वास्तव में यह हिरण है? दरअसल ये जानवर आज से 13,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके थे, जिन्हें हिरण का पूर्वज कहा जाता है। दूसरे विलुप्त हो चुके जानवरों की तरह ये भी उस वक्त सरवाइव नहीं कर पाए। आयरिश हॉल्क की साइज लगभग 7 फीट होती थी, जबकि इसके सिंग 12 फीट लंबे हुआ करते थे। ये ज्यादातर यूरेशिया उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इसके अलावा ये आयरलैंड में भी पाए जाते थे। साइबेरिया में भी इस जानवर के जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि वह फिर से इस जानवर को धरती पर ला सकते हैं। दरअसल आज के समय इसके करीबी प्रजाति को देखकर ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस जानवर को फिर से इस धरती पर लाया जा सकता है। नंबर 9, साइबेरियन यूनिकॉर्न। साइबेरियन यूनिकॉर्न आज से लगभग 30,000 साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। इसकी लंबाई करीब 15 फीट तक होती थी। वहीं यह लगभग 6 फीट लंबे हुआ करते थे और इनके वजन की बात की जाए तो काफी चौंकाने वाला था। इसका वजन 4 से 5,000 किलोग्राम तक होता था। इसके सिर पर एक सिंग भी पाई जाती थी जो इसे बेहद अनोखा बनाता था। साइबेरियन यूनिकॉर्न को राइनोसोरस का पूर्वज भी माना जाता है, जो कि साइज में उनसे कई गुना विशाल हुआ करते थे। और वर्तमान में मौजूद गेंडे की प्रजाति भी विलुप्ति के कगार पर है, जो कि इस समय पूरी दुनिया में लगभग 80 राइनोसोरस ही जीवित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि साइबेरियन यूनिकॉर्न को भी पुनः इस धरती पर लाया जा सकता है। नंबर 8, डोडो। डोडो एक बेहद मासूम और क्यूट सा दिखने वाला पक्षी था, जिसे विलुप्त हुए 350 साल ही हुए हैं। ये हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप में पाए जाते थे और इस पक्षी का वजन 20 किलोग्राम तक होता था, लेकिन इसके टांग और पंख बेहद छोटे होते थे। इसी कारण ये पक्षी उड़ नहीं पाता था और न ही ठीक से चल पाते थे। रंग बिरंगे डोडो झुंड में लुढ़कते और गिरते हुए चलते थे। लोगों ने इसे खाने के लिए इसका शिकार शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह पक्षी जल्द ही विलुप्त हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जानवर को भी पुनः इस धरती पर लाया जा सकता है, लेकिन अब तक वैज्ञानिकों को इसके अस्थियों से डीएनए निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। अमेरिका में पाए जाते थे और ये बड़े बड़े जानवरों को भी मारकर खाया करते थे। यह पक्षी आज से 18 लाख साल से लेकर 6 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया करती थी और इस पक्षी की ऊंचाई 9 से 10 फीट तक हुआ करती थी, लेकिन यह पक्षी भी आज विलुप्त हो चुका है। नंबर 6, सार्कोसूचस। डायनासोर काल का यह सबसे खतरनाक और विशाल मगरमच्छ हुआ करता था। इसका सबसे पहला अवशेष सन 1950 में सहारा के रेगिस्तान में खोजा गया था। यह मगरमच्छ 40 फीट लंबे और इसका वजन लगभग 15 टन तक होता था। उस समय इतने विशाल और खतरनाक होते थे कि अपने से विशाल और खतरनाक जानवरों को भी मारकर खाया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ यह जानवर भी धरती से विलुप्त हो गया। नंबर 5, स्माइलोडॉन। यह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बाघ है, जो आज से लोग 10,000 साल से लेकर 25 लाख साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। इसके दो दांत बाहर की तरफ होते थे, जिसकी सहायता से अपने शिकार को एक ही झटके में मौत के घाट उतार देते थे। ये आज के बाघों से 2 गुना बड़े हुआ करते थे और वहीं इनका वजन 4,000 किलोग्राम तक होता था। ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे। नंबर 4, मेगलोडॉन। यह अब तक की सबसे बड़ी शार्क मछली हुआ करती थी, जो आज से 36 लाख साल से लेकर 2 करोड़ साल तक समुद्र की दुनिया में राज किया करती थी। इसकी अधिकतम लंबाई 60 फीट तक हुआ करती थी। यह बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी, जो अपने से छोटे जीवों को मारकर खाया करती थी। कई लोगों का मानना है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह मारीना ट्रेंच में आज भी जिंदा हो सकती है। नंबर 3, वूली मैमथ। लाखों साल पहले धरती पर पाए जाने वाले अजीबोगरीब जीवों में से एक वूली मैमथ भी था, जो आकार में काफी विशाल हुआ करता था। यह आज से 10,000 साल पहले इस धरती पर पाया जाता था, लेकिन आज के समय इस जीव को किस्से और कहानियों में याद किया जा सकता है। जरा सोचिए क्या होगा यह जानवर फिर से धरती पर लौट आए। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। जी हां, वैज्ञानिकों को आर्कटिक टुंड्रा में वूली मैमथ का अवशेष मिला है, जिससे वर्तमान में पाए जाने वाले हाथियों के डीएनए के साथ यूज करके फिर से इस जानवर को जीवित करने की कोशिश की जा रही है। हाथी की मदद से जन्मे इस जानवर का नाम मैमोफेंट रखा जाएगा। नंबर 2, दी ग्राउंड स्लॉथ। इस जीव को देखकर ऐसा लगता है मानो या कोई बड़े आकार का भालू है, लेकिन हम आपको बता दें भालू नहीं, बल्कि इस जीव का नाम दी ग्राउंड स्लॉथ है, जो आज से 8,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुका है। लेकिन इतने सालों के बाद भी वैज्ञानिकों को इसके बाल से डीएनए निकालने में कामयाबी मिल चुकी है। बताया जा रहा है इस डीएनए की मदद से इसका क्लोन भी बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि आज से जो पाए जाने वाली जानवर की साइज
लगभग 3 मीटर तक होती थी और इसका वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी यह बात तो तय है, यह जानवर आज की तुलना में बेहद अलग और अजीब हुआ करता था। नंबर 1, साइबर टूथ टाइगर। विलुप्त जानवरों की लिस्ट में साइबर टूथ टाइगर का नाम भी शामिल है, जो दिखने में टाइगर की तरह लगते थे लेकिन वे टाइगर से विशाल और खतरनाक हुआ करते थे। इनका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता था। वहीं इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 13 फीट लंबे हुआ करते थे। इनका ताकतवर शरीर इस बात का सबूत था कि ये बड़े से बड़े जानवरों को भी आसानी से मार सकते थे। ये हाथी जैसे जानवरों को भी अपने बस में कर सकते थे। इतना ही नहीं, इनके पास टाइगर की तरह मजबूत दांत भी हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइगर के मुकाबले इनके 2 दांत काफी ज्यादा बाहर निकले होते थे, जिसका साइज लगभग 1 फीट तक हुआ करता था और यही लुक इन्हें बेहद खतरनाक बनाता था। टाइगर की यह प्रजाति आज से लगभग 11,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन अब जाकर वैज्ञानिकों को इनके अस्थियों से DNA निकालने में कामयाबी मिल चुकी है, जिसे लेकर इन्हें पुनः जीवित किए जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है।